स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये आपकी योजनाएं हैं। आपकी पार्टी का ट्विटर हैंडल है बीजेपी फॉर इंडिया। आप हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और हमारा देश है यूनियन ऑफ इंडिया। आज आपको इंडिया से ही नफरत हो गई, इंडिया से आपको आइडिया ऑफ इंडिया की याद नहीं आती, इंडियन मुजाहिदीन या ईस्ट इंडिया कंपनी की याद आती है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आजादी की लड़ाई में आपके वैचारिक पुरखों ने ब्रिटिश हुकूमत का साथ दिया था? प्रधानमंत्री जी, आपने संविधान की शपथ खाई है। संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। क्या आपको इस इंडिया से भी इंडियन मुजाहिदीन याद आती है? प्रधानमंत्री जी, इंडिया है क्या केवल अडानी की ग्रोथ, अंबानी के बिजनेस में इजाफा, तमाम हथकंडों के बाद बनी सरकारें इंडिया नहीं है। इंडिया है मणिपुर, इंडिया है वो हजारों लोग जो विस्थापित हो गए, इंडिया है वो युवतियां जिन्हें नंगा करके परेड करवाया गया। आप बताइए, आपके न्यू इंडिया में इस असली इंडिया की कोई जगह है या नहीं है? और अगर नहीं है तो आपकी लड़ाई इंडिया से ही है। और मैं फिर से कह दूं कि यहां इंडिया केवल विपक्षी पार्टियों का गठबंधन नहीं। प्रधानमंत्री जी, इंडिया से द्रोह कौन कर सकता है? क्या विपक्ष, क्या आम लोग? जी नहीं, आम लोग तो खुद ये देश हैं, वो देश के साथ द्रोह कैसे करेंगे? देश के साथ द्रोह वो कर सकते हैं जिनके ऊपर देश के संचालन की जिम्मेदारी है, जो अपने आप को सेवक कहते हैं। और क्या होता है देशद्रोह? जब देश का एक प्रांत जल रहा हो, हजारों जिंदगियां तबाह हो गई हों, फिर भी खुद को प्रधान सेवक कहने वाला व्यक्ति मौन रहे, ये देशद्रोह है। क्योंकि देश केवल इमारतें और देश प्रेम केवल नारेबाजी या चमकदार विज्ञापन नहीं है, लेकिन उस पर सवाल पूछने वालों या उस पर चर्चा करने की बात करने वालों को संसद से निलंबित कर दिया गया। यह देश के साथ कैसा प्रेम है? एक खबर देखिए, मणिपुर में म्यांमार से 718 घुसपैठिए दाखिल हो गए। नॉर्थ ईस्ट संवेदनशील इलाका है, वो जलता रहा, हम बचा नहीं पाए। अब घुसपैठियों के दाखिल होने की खबर है, यह जिम्मेदारी किसकी है? क्या प्रधान सेवक के तौर पर आपका काम केवल चुनावी राजनीति पर फोकस करना और विपक्ष के खिलाफ बयान देना भर है? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप करते नहीं थे, अब सदन में भी इतने संवेदनशील मामले पर बोल नहीं रहे, ऐसा क्यों है? राज्यसभा से निलंबित सांसद संजय सिंह का कहना यह है कि मणिपुर की हिंसा सरकार के द्वारा प्रायोजित है। तो कहीं ना कहीं ये मैंने कहा, सरकार प्रायोजित हिंसा है, बीजेपी प्रायोजित हिंसा है, और इसी के कारण सरकार चर्चा से भाग रही है, प्रधानमंत्री जी चर्चा से भाग रहे हैं। अच्छा, अब खुद कई बार मजबूत सरकार के नारे लगा चुके हैं, आपके लोग कहते हैं कि ये बहुत मजबूत सरकार है। आपके नेता और अंधभक्त लोग जो हैं वो आपको राम तक कह देते हैं, भगवान से आपकी तुलना करते हैं। तो सवाल उठते हैं, क्या संजय सिंह सही कह रहे हैं कि यह सरकार प्रायोजित हिंसा है, या फिर क्या मजबूत सरकार वाले दावे फेल हो चुके हैं? प्रधानमंत्री जी, चुनाव लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र का एक हिस्सा भर है। सरकार चुनाव नहीं लड़ती, चुनाव लड़ती हैं पार्टियां। सरकार देश के प्रति जिम्मेदार होती है। अगर फिलहाल आपकी चिंता मणिपुर नहीं है तो आपकी लड़ाई इंडिया से ही है, वो इंडिया जो मैं भी हूं और आप भी, वो इंडिया जिसके नाम पर आपने खूब योजनाएं चलाई, जैसे स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया।